हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दी नाम वाले 2023 बड़ी खुशखबरी। ज्योतिष अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के आधार पर उसके आने वाले कल अर्थात भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। यही नहीं, व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में भी अनुमान लगाया जाता है। आज हम आपको डी अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले लोगों के स्वभाव और साल 2023 में डी अक्षर से नाम वाले लोगों के लिए साल 2023 का राशिफल बताने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे डी अक्षर से नाम वाले लोगों का स्वभाव, शिक्षा, करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले साल 2023 में। सबसे पहले बात करेंगे डी से नाम वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। डी अक्षर से नाम वाले लोग दिल के बड़े ही प्यारे और कोमल होते हैं। इनका स्वभाव सबको साथ लेकर चलने वाला होता है। ये लोगों के सुखों में ही बल्कि उनके दुखों में भी उनका मजबूत सहारा बनते हैं। इनके लाइफ में प्यार और रिश्ते का बहुत अधिक महत्व होता है। यही वजह है कि ये अपने सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते हैं। अपने करियर और काम के प्रति ये हमेशा ही सकारात्मक रहते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने कार्यों और खूबियों से छा जाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी होती है। वहीं ये लोग प्यार के मामले में भी बड़े रोमांटिक होते हैं। प्रेम विवाह में इनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। शादी के बाद ये अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और उसे हर सुख सुविधा और खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं डी से नाम वाले लोगों की शिक्षा के बारे में। राशिफल अनुसार शिक्षा के मामले में साल आपको सुख और सफलता दिलाने वाला होगा। लेकिन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से सफल होना चाहते हैं या फिर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए कड़ी मेहनत करनी होगी। समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। साल की शुरुआत में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और यही वो समय होगा जब आप यदि खूब दिल लगाकर पढ़ेंगे तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकता है। इस साल शिक्षा के क्षेत्र में विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। जो जातक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी इस साल अच्छे योग हैं। अब बात करते हैं डी से नाम वाले लोगों के नौकरी व्यवसाय के बारे में। राशिफल अनुसार ये वर्ष करियर में कठिन प्रयासों के साथ सफलता प्राप्त करने का होगा। नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की संभावना है। बेरोजगार जातकों के लिए नई नौकरी मिलने के योग हैं। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ सहयोग बनाकर चलें तो बेहतर रहेगा। बॉस का आप पर भरोसा बढ़ेगा, जिस वजह से आपके कार्यों और जिम्मेदारियों में भी वृद्धि की संभावना है। ऑफिस की ओर से यात्रा करनी पड़ सकती है। अपना काम कर रहे जातकों और नया बिजनेस शुरू करने वाले जातकों के लिए समय अच्छे अवसर का है। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को इस साल मुनाफा मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं डी से नाम वाले लोगों के प्रेम विवाह के बारे में। राशिफल अनुसार प्रेम और वैवाहिक मामलों में इस साल आपको मिला जुला असर प्राप्त होगा। साल के अंत में प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। लव रिलेशनशिप में रह रहे जातकों को जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना ही बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में यदि आप थोड़ा समय लेंगे तो आपको साथी की प्राप्ति हो सकती है। वहीं वैवाहिक जातकों के लिए भी साल प्यार और उम्मीदों भरा रहेगा। कुछ जातकों को उनकी मनपसंद का पार्टनर मिलने की संभावना है। शादी के योग प्रबल रहेंगे। रिश्तों में सुधार की अच्छी संभावना है। इस समय रिश्तों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बनने से प्यार की डोर मजबूत होगी। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति के योग हैं। अब बात करते हैं डी से नाम वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के बारे में। राशिफल अनुसार पारिवारिक मामलों में आपके लिए इस वर्ष शादीशुदा जिंदगी सुकून भरी रहने की संभावना है। पार्टनर को एक दूसरे का भरपूर साथ और सपोर्ट मिलेगा। परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। घर के किसी सदस्य को मान सम्मान की प्राप्ति के भी योग हैं। अगर आप अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं तो अपने प्रेमी या जीवन साथी से दिल की बात खुलकर शेयर करें। इससे उनका विश्वास आप में बढ़ेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। ससुराल पक्ष से किसी उपहार की प्राप्ति की संभावना है। अब बात करते हैं डी से नाम वाले लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में। राशिफल अनुसार आर्थिक मामलों की दृष्टि से साल शुभ है। पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी विवाद का हल मिल सकता है। साल भर धन की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह में धन खर्च हो सकता है। अकस्मात धन प्राप्ति के योग हैं। इस साल आप माइंड धनोपार्जन के लिए अधिक इस्तेमाल करेंगे, जिसका आपको बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर के बड़े बूढ़ों से धन लाभ की स्थिति बन रही है। अब बात करते हैं डी से नाम वाले लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। राशिफल अनुसार स्वास्थ्य के लिहाज से साल सामान्य रहेगा। सूर्य नमस्कार और योगा आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करेंगे। अपने खान पान पर भी इस साल विशेष रूप से ध्यान दें ताकि आपको मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद मिल सके। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिहाज से समय आपके अनुकूल है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।